अगर आप भी अपने MySQL के अंदर अपने यूज़र का इमेज और उसका डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मोहम्मद उस्मान, यहाँ पर आप उसका यूज़र नेम लिख के ऑटमन एंड उसके बाद उसका फुल नेम मोहम्मद उस्मान एंड उसका पासवर्ड, और यहाँ पर आप उसकी इमेज पिक करोगे, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके उसकी इमेज पिक करोगे, और यहाँ पर आप जब आपका यूज़र रजिस्टर हो जाएगा देन उसके बाद आप उसकी प्रोफाइल भी कैट कर सकते हो, सारा का सारा डेटा आप कैसे कैट कर सकते हो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने डेटाबेस के अंदर इमेज अपलोड कर सकते हैं, फायरबेस के थ्रू कैसे करनी है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम अपने PHP MySQL के अंदर अपनी इमेज को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मेथड इंटरनेट पे अवेलेबल हैं लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं और कुछ आपको समझ नहीं आते, ठीक है। एंड मैं जो यूज़ करूंगा वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है और मैं इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ वीडियो बनाने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक करना है, ठीक है, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। तो ये वीडियो जो थी एक दोस्त ने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ये करना सिखाएं, सो उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट न्यूली क्रिएट किया है, इसके अंदर कुछ भी स्पेशल अवेलेबल नहीं है फिलहाल, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर वो बॉयलर प्लेट कोड था वो मैंने रिमूव कर दिया और सिंपल यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो मैंने ये PHP की फाइल्स आपको मिल जाएंगी जो PHP के लिए हमारे पास काम आएंगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा अपलोड भी करेंगे और डेटा फिर बाद में लोड भी करेंगे यूज़र का, मतलब कि अगर आपने यूज़र का जो डेटा है वो यूज़र नेम या ईमेल से जो इससे भी आपने गेट करना होगा आप यूज़र का डेटा जो है वो गेट भी करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो क्लासेस बनाई हुई हैं, एक फंक्शन की और एक मेन डॉट डॉट की, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन के अंदर मैंने अपनी API का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है एंड उसके बाद मेन डॉट डॉट है। सो गाइस अब यहाँ पर जो है हमारा एमुलेटर में यहाँ पर दो बटन है, एक रजिस्टर का और एक गेट प्रोफाइल का, राइट। तो सबसे पहले हम रजिस्टर के बटन को जो है फंक्शनल बनाते हैं। यहाँ पर हम फंक्शंस में आएंगे, यहाँ पर आपने क्लास बना लेनी है फंक्शंस की या कुछ भी बना लें, एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसके थ्रू पहले हम यूज़र से उसकी मतलब इमेज जो है वो गेट करेंगे, ठीक है। हमने इमेज अपलोड करनी है तो हमें इमेज गेट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फ्यूचर मैथड बनाएंगे, फ्यूचर मैथड बनाने के बाद इसको हम इसकी जो टाइप है वो करेंगे स्ट्रिंग, हमें यहाँ से एक स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करनी है, ठीक है। यहाँ से हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे पिक इमेज, ठीक है, पिक इमेज इसका नाम रख देंगे और इसको कर देंगे सॉरी एसिंक्रोनस, एंड एसिंक्रोनस हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें दो फाइल्स बनानी है, एक फाइल का नाम होगा पिक्ड फाइल, राइट, एंड उसका नाम रख देंगे पिक्ड फाइल, एंड एक और फाइल बनानी है उसका टाइप होगा फाइल, एंड यहाँ पर उसका नाम होगा मतलब ये फाइल, ठीक है, उसका नाम फाइल रख देंगे। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक और फाइल चाहिए और उसका नाम होगा इमेज पिकर, ठीक है, इमेज पिकर इज इक्वल टू इमेज पिकर, राइट, इमेज पिकर इसको एक्सटेंड करवा देंगे इमेज पिकर के साथ। एंड यहाँ पर जो है हमारा काम कंप्लीट हो गया, राइट। अब यहाँ पर हम इसके यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ मेक श्योर कि आप .io को जो है वो इम्पोर्ट करो, राइट। एंड यहाँ पर अब हमें इमेज अपलोड पिक करनी है, पिक करने से पहले हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि आपने मतलब कि जो है वो इमेज पिक की है या नहीं। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपने अपने pubspec.yaml के अंदर HTTP की इमेज पिकर की और परमिशन हैंडलर की जो है आपने क्लासेस इम्पोर्ट कर लेनी है, सॉरी डिपेंडेंसीज आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम परमिशन चेक करेंगे, राइट, अवेट करेंगे, ठीक है, अवेट का कीवर्ड ऐड करके परमिशन, ठीक है, परमिशन डॉट फोटोज़ की हमें परमिशन लेनी है, फोटोज़ डॉट रिक्वेस्ट हमें रिक्वेस्ट करनी है कि हमें फ़ोटोज़ की परमिशन दो, अगर वो परमिशन देगा तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, अगर परमिशन हमें नहीं मिलेगी तो हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, राइट। यहाँ से हम जो है परमिशन की सॉरी स्पेलिंग गलत है, परमिशन की जो क्लास है वो इम्पोर्ट कर लेंगे, राइट, हमने क्लास इम्पोर्ट कर ली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसने हमें परमिशन प्रोवाइड की है या नहीं, परमिशन स्टेटस, ठीक है, इसका नाम रख लेंगे परमिशन स्टेटस एंड इसको चेक कर लेंगे अवेट परमिशंस परमिशन डॉट फोटोज डॉट स्टेटस, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उसने हमें जो है वो परमिशन दी है या नहीं, ठीक है, इसके लिए हम इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे परमिशंस, ठीक है,
परमिशन डॉट इज ग्रांटेड कि उसने हमें इमेज प्रोवाइड कर दिया है या नहीं, ठीक है, सॉरी परमिशन प्रोवाइड कर दिया कि नहीं। अगर उसने हमें इमेज प्रोवाइड नहीं की होगी तो यहाँ पर हम एक सिंपल कमेंट शो कर देंगे, राइट, और कमेंट टाइप कर देता हूँ। एंड अब उसने हमें जब परमिशन दे दिया तो यहाँ पर हम अपनी इमेज को पिक करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे पिक्ड फाइल, ठीक है, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था ये वाला पिक्ड फाइल का, राइट, ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको इज इक्वल टू करवा के अवेट। एंड यहाँ पे हम इमेज पिक करेंगे। इमेज पिक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने इमेज पिकर का वेरिएबल बनाया था इसको यूज़ करेंगे इमेज पिक डॉट गेट इमेज, और यहाँ पर सोर्स बताना होगा, यहाँ पर सोर्स करेंगे इमेज सोर्स, ठीक है, डॉट गैलरी, हमें गैलरी से पिक करनी है। अगर आप कैमरा से पिक करना चाहते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट आप फोटो क्लिक करके उसको अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैमरा कर दें तो ये कैमरे से काम करेगा। अभी फिलहाल हमें गैलरी से पिक करनी है तो ये गैलरी से करेगा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे उसने इमेज पिक की है या नहीं की, तो इसके लिए क्या करेंगे, पिक्ड फाइल को स्टेटस चेक करेंगे, अगर ये नल नहीं है इसका मतलब है कि उसने इमेज जो है वो पिक कर लिया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ अगर उसने इमेज पिक नहीं की तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर अगर उसने इमेज पिक नहीं की होगी तो यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और अगर उसने इमेज पिक कर लिया तो यहाँ पर हमें एक और काम करना है, और वो काम होगा ये कि हम इस फाइल को अब मतलब कि अपनी मेन फाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम ये फाइल वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे, ये वाला वेरिएबल, ठीक है, एंड फाइल इज इक्वल टू फाइल, ठीक है, और हमें इसके अंदर पिक्ड इमेज का पाथ जो है वो पास कर देंगे, पिक्ड फाइल डॉट पाथ, राइट। एंड अब हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो क्या है कि इस इमेज को हम बेस 64 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ना कि हम डायरेक्ट अपनी इमेज जो है वो अपने फोल्डर के अंदर अपलोड नहीं करेंगे, हम इसको अपने MySQL के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न वाला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, पिक्ड इमेज, राइट, इमेज का वेरिएबल ले लेते हैं, इमेज इज इक्वल टू बेस 64 इनकोड, ठीक है। हमें अपनी इमेज को जो है वो इनकोड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल डॉट, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा एक रीड एज, यहाँ पर हमें जो है इसको कन्वर्ट कर देना, राइट। अब ये इमेज जो है हमारी कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, ये बेस 64 में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आपको कोई अवेट का कीवर्ड नहीं ऐड करना, ये ऑटोमेटिकली उसी वक्त कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इमेज को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, इमेज, अब हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, हमने अपनी इमेज का वेरिएबल जो है यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। और साथ में अगर वो इमेज पिक नहीं करता तो हम यहाँ पर एक और चीज़ रिटर्न करवाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर उसको करवा देंगे एरर, बस फिलहाल के हम चेक कर सकेंगे यूज़र ने इमेज पिक की है या उसने इमेज पिक नहीं की, ये उसी लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसको मैं क्यों कर रहा हूँ। हम यहाँ पर जो है एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर हमारी इमेज भी जा सकती है, हमारा एरर भी जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम बार बार मल्टीपल कंडीशंस नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल एक एरर को कंपेयर कर लेंगे कि उसने इमेज पिक की है या कोई एरर आ गया है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पिक इमेज का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं रजिस्टर के अंदर आके। यहाँ पर हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम होगा void pick image, राइट, पिक इमेज, एंड यहाँ पर हम उसको इसको भी asynchronous रखेंगे। एंड यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग स्टेटस, ठीक है, इसको क्या करेंगे अवेट कर देंगे। यहाँ पर जो है हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, या ये पिक वाला इमेज का जो फंक्शन है हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, पिक इमेज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ अपनी जो इमेज है वो गेट कर लेंगे, और यहाँ पर अपना जो है वो इसकी क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है अपनी फाइल इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने इस क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ से हम अपने पिक इमेज के फंक्शन से ये void कीवर्ड हटा देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अवेट करवा देंगे, ठीक है, ताकि ये इमेज को जो है वो पिक कर ले। अब यहाँ पर जब इमेज पिक हो जाएगी तो हम यहाँ पर इमेज को प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि इसने इमेज पिक की है या नहीं। तो यहाँ पर स्टेटस प्रिंट करवाएंगे, राइट, तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। अब इसने इमेज जो है पिक करी है, और यहाँ पर हम डीबग कंसोल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है, राइट। ये हमारी इमेज है जो बेस 64 के अंदर इनकोडेड है, जिसको हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर अपनी इमेज शो भी करवानी है और फुल एक फॉर्म सा बनवाना है तो हम फॉर्म भी एक हल्का सा बना लेते हैं। मैं ज़रा डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ।
तो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है, और यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर मैंने क्या दिया है, मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया है, ठीक है, और यहाँ पर तीन कंट्रोलर लिए हैं, एक यूज़र नेम के लिए, एक फुल नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए, राइट। और यहाँ पर मैंने सिंपल बना दिया कि अगर हमारी यहाँ पर ये लोकल इमेज वेरिएबल जो है वो अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर ये सिंपल ये ब्लू कलर का यहाँ पर साइन शो होगा, अगर उसने कोई इमेज पिक कर ली है तो यहाँ पर जो है वो उसकी इमेज शो हो जाएगी उसी वक्त, राइट। और उसके बाद यहाँ पर तीन कंट्रोलर लिए हैं, और कंट्रोलर के अंदर कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं है, सिंपल कंट्रोलर हैं, ठीक है। आप डेकोरेशन आप अपने हिसाब से करिएगा, मैं जस्ट यहाँ पे एक ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा इमेज पिकर सिस्टम काम करता है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हम इमेज पिक कर लेते हैं तो यहाँ पर इमेज हमारी शो हो रही है, राइट। एंड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें अपनी इस इमेज को अपलोड भी करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पर हम अपने फंक्शंस के अंदर आते हैं, यहाँ पर अब हम अपने डेटा को अपलोड करने का फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्यूचर लेंगे, फ्यूचर उसको कर देंगे यहाँ पे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर फ्यूचर लिखेंगे, और फ्यूचर के अंदर जो है वो यहाँ फ्यूचर आप सिंपल रहने दें, और यहाँ पर क्या करें, अपलोड, यहाँ इसका नाम रख देते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन। एंड इसको कर देंगे, यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे यूज़र से, हमें यहाँ पर उसका नेम और इसकी इमेज और फुल नेम पासवर्ड वगैरह स्टोर करवाना है, इसलिए यहाँ पर हम वो चीज़ें भी गेट करेंगे, और इनको हम नेम्ड पैरामीटर कर देंगे, और यहाँ पर इनको रिक्वायर्ड कर देंगे, राइट, रिक्वायर्ड। और यहाँ पर आ जाएगा पहला स्ट्रिंग में आएगा सब कुछ, स्ट्रिंग नेम, राइट, यूज़र नेम आ जाएगा एंड यूज़र नेम। यहाँ पर हमारे पास जो है हमें मटेरियल डॉट डॉट को इम्पोर्ट करना होगा, ये रिक्वायर्ड की कोटेशन यूज़ करने के लिए। एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर इसको तीन से चार दफ़ा इम्पोर्ट कर लेंगे, और एक यूज़र नेम हो जाएगा, दूसरा हमारा फुल नेम हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, और उसके बाद इमेज आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब हमारा जो है काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन लिखेंगे इमेज अपलोड करने के लिए। सबसे पहले हम इसको ट्राई कैश के अंदर ऐड करेंगे, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो वो हमें एक्सेप्शन पता चल जाए, राइट। और हम यहाँ पर रिटर्न भी करेंगे, रिटर्न एरर रिटर्न कर देंगे, राइट, रिटर्न एरर, ताकि अगर कोई एरर आता है तो भी हमें पता चल जाए। एंड और यहाँ पर जो है हम अपना मेन काम जो है वो यहाँ पर शुरू करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम पहला वेरिएबल बनाएंगे फाइनल, और फाइनल इसका नाम रखेंगे रिस्पॉन्स, और इसको करेंगे अवेट HTTP डॉट पोस्ट का मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए हमें HTTP का पैकेज यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। और उसके लिए हम यहाँ पर टॉप में आएंगे, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे HTTP का पैकेज, पैकेज HTTP/HTTP.dot, राइट, HTTP.dot as HTTP, राइट। अब हमने HTTP का पैकेज इंपोर्ट कर लिया, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हमें HTTP के अंदर अपना पहले जो है अपनी रिक्वेस्ट का URL पास करना होगा। यहाँ पर मेरे फिलहाल मेरे पास ये देखें, यहाँ पर ये एक है अपलोड का और एक है यूज़र का डेटा गेट करने के लिए, ठीक है। आपके पास भी सेम ही होगा, तो आपको ये डेमो एप्लीकेशन का जो मतलब सोर्स कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम पास करेंगे URI.parts, ठीक है। एंड यहाँ पर हम अपना जो है वो पास करेंगे अपलोड, मेरे ख्याल से अपलोड ही था इसका नाम, अपलोड API। और अपलोड के साथ साथ हमें कुछ बॉडी में टैग भी पास करनी है, ताकि हम यूज़र का डेटा वगैरह सब कुछ स्टोर कर सकें। बॉडी के अंदर हम आएंगे और यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल पास करेंगे, ठीक है, पैरामीटर, जिनको इन सिंपल हम पैरामीटर कहते हैं, राइट। एंड इसको मैं दो से तीन दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं अब, ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ डेटा पास करना होगा। वो डेटा हम कहाँ से लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने PHP में जाना है, अपलोड इमेज के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको ये सारे पैरामीटर जो हैं वो मिल जाएंगे, राइट। इमेज का पैरामीटर कौन सा है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। हमें पहले कौन सा पोस्ट करना है, इमेज, एंड इमेज को गेट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें यूज़र नेम को पोस्ट करना है, तो यूज़र नेम गेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें फुल नेम को पोस्ट, पासवर्ड को पोस्ट करना है, तो पासवर्ड। एंड इसी तरह आपने सारे जो है यहाँ से कॉपी कर लेने हैं, राइट। एंड तो यहाँ पर जो है हम इनको पास करते हैं अपने यहाँ पर, इन वेरिएबल्स के अंदर डेटा पास करते हैं। इमेज के अंदर हम इमेज पास कर देंगे, ये यूज़र ने सेलेक्ट की है, ठीक है। और यूज़र नेम के अंदर हम यूज़र नेम पास कर देंगे, और उसके बाद हम पासवर्ड के अंदर पासवर्ड पास कर देंगे, और फुल नेम के अंदर हम फुल नेम पास कर देंगे, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट जो है वो बिल्ड हो गई है। अब हमें क्या करना होगा,
चेक करना होगा कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली स्टोर हुई है या नहीं हुई। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, अगर ये 200 के इक्वल टू है तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब है कि हमें कोई एरर आ रहा है। हम यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, पहले हम प्रिंट कर लेंगे कि यहाँ पर एरर नंबर अब 1 आ रहा है, ताकि हमें कोई पता हो तो हमें पता चले कि एरर किस जगह पे आ रहा है, राइट। अगर मतलब कि यहाँ पर एरर आ जाएगा तो एरर ओनली आएगा, यहाँ पर अगर एरर आएगा तो हम इसको एरर नंबर 1 कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पर हम कर देंगे इन सिंपल रिटर्न, हम एरर ही करेंगे, लेकिन हम चेक करने के लिए हमें पता चल जाएगा कि एरर यहाँ पर आ रहा है। अगर हमारी रिक्वेस्ट सक्सेस हो चुकी है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक और वेरिएबल बनाएंगे फाइनल, इसका नाम कर देंगे रिजल्ट और इसको कर देंगे जेसन, जेसन डॉट डिकोड, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी रिस्पांस को जो है उसकी बॉडी पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना जो रिस्पांस है उसको रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है, रिटर्न। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट जो है उसको रिटर्न कर देंगे जो हमने यहाँ पर बनाया। अब हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जब हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पर वो हमारा यूज़र नेम और ये सारी डिटेल जो है एक साथ अपलोड कर दे। तो मैं आपको पहले अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ, मेरे पास जो डेटाबेस है, राइट, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अब मैं इसको, इसके अंदर जो इंट्रीज़ है मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आपको ये इंट्रीज़ मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन खुद बनाऊँगा। उससे पहले आपको यहाँ पर आना होगा अपनी मेन डॉट डार्ट के अंदर और यहाँ पर आपको इसको लिंक करना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन का जो नेम है कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जहाँ पे हम अपनी इमेज प्रिंट करवा रहे हैं इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। और उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ जो है वो फंक्शन पास करने होंगे, ठीक है। इमेज, अगर जो है वो इमेज, मतलब कि हमें यहाँ पर इमेज पास करनी है, इसके अंदर हम लोकल इमेज पास करेंगे, हमारी लोकल इमेज। और पासवर्ड के अंदर हम अपना पासवर्ड पास करेंगे, पासवर्ड हम कहाँ से लेंगे, पासवर्ड कंट्रोलर से डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर आ गया, और उसके बाद फुल नेम को हम अपने कंट्रोलर से लेंगे, फुल नेम एंड डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। और उसके बाद यूज़र नेम भी हम वहीं से लेंगे, यूज़र नेम कंट्रोलर से डॉट टेक्स्ट, राइट। एंड अब जो है हम अपना यहाँ पे डेटा जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि यूज़र ने इमेज पिक की भी है या नहीं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इफ़ लोकल, लोकल इमेज, आपको बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल इसका नाम था लोकल इमेज, राइट। एंड अगर ये एरर के बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंटिन्यू करेंगे। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये जो हमारा पिक वेरिएबल है यहाँ से हमें रिटर्न कर रहा है एरर, ठीक है, एरर रिटर्न कर रहा है या हमें इमेज रिटर्न कर रहा है। हम यही चेक करेंगे कि अगर उसने इमेज पिक की है तो वो ठीक है, अगर उसने इमेज पिक नहीं की तो वो अपलोड ना हो, अपलोड की रिक्वेस्ट ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारी अपलोड की रिक्वेस्ट जाएगी तो यहाँ पे हमें चेक भी करना है कि हमारा डेटा जो है वो मतलब कि रजिस्टर हुआ है या नहीं जो हमने भेजा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे एक, हमें यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो अपलोड इमेज से रिटर्न होगा, और यहाँ ये तो या तो सक्सेस का होगा या एरर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने इस रजिस्ट्रेशन फंक्शन को एक स्ट्रिंग के अंदर पास कर देंगे, ठीक है, वेरिएबल के अंदर ले लेंगे और इसका कर देंगे स्टेटस, स्टेटस, ठीक है, स्टेटस, और इसको कर देंगे अवेट। क्योंकि अवेट हम कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, अवेट कीवर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन का फंक्शन है ये फ्यूचर है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंतज़ार करना होगा, इसलिए यहाँ पर हम अवेट कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना स्टेटस जो है प्रिंट करवा के देखेंगे कि हमारे पास जो डेटाबेस रिस्पॉन्स आया है वो क्या आया है, ठीक है। हम यहाँ पर जो स्टेटस है उसको प्रिंट करवा देंगे, राइट। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो प्रिंट होता है या नहीं होता। हमारे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने से पहले यहाँ अपना यूज़र नेम वगैरह फिल कर देता हूँ। यूज़र नेम के अंदर मैं क्या लिखूँगा, ऑटमन, ठीक है, ऑटमन कोडर, लेकिन कोडर के अंदर जो है ना मैं ये काफ़ी लंबा लिख दूंगा। और यूज़र नेम मेरा है उस्मान, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ उस्मान। पासवर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, टेस्ट कुछ भी कर देंगे, राइट। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इमेज पिक करेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास एरर जो है वो क्यों आ रहा है। और यहाँ पर हमें जो स्टेटस मिला है वो सक्सेस मिला है, इसका मतलब है कि हमारा डेटा जो है वो रिटर्न हो चुका है। हमें यहाँ पर इसको एक बार रीलोड करने की ज़रूरत थी और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमारा यहाँ पर डेटा रजिस्टर हुआ है इसी नाम से कि नहीं, जो नाम हमने यहाँ पर इंटर किया था। ये कोडर है और उस्मान 3473 करके हमारा आ गया, नाम भी आ गया और हमारी इमेज भी आ गई है।
अब ये हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो चेक करने की जरूरत है वो ये है कि हम इस सारे यूजर नेम से हम अपनी प्रोफाइल को कैसे गेट करेंगे और कैसे शो करेंगे। ठीक है, हमारी इमेज जो है वो भी स्टोर हो चुकी है, हमने किसी फोल्डर के अंदर इमेज स्टोर नहीं करवाई, हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, ठीक है, एज अ बाइट्स में। और उसी तरह हम इसको यहाँ पर जो है वो शो भी करेंगे। शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शंस के अंदर आएंगे और फंक्शंस के अंदर हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन होगा फ्यूचर, जो हमें रिटर्न करेगा हमारे यूज़र का डेटा फ्यूचर। और यहाँ पर क्या करेंगे, गेट यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, और इसको हम एसिंक्रोनस कर देंगे। और यहाँ पर हमें एक चीज़ पास करनी होगी यूज़र नेम के, हाँ आप किस यूज़र का डेटा गेट करना चाहते हो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एड रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पर कह देंगे कि हमें यूज़र नेम आप दो, आप किस यूज़र नेम का जो है वो डेटा गेट करना चाहते हो, ठीक है। सेम यहाँ पे हम करेंगे ट्राई कैश का ब्लॉक यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ट्राई कैश। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट बिल्ड करेंगे, फाइनल रिस्पॉन्स इसको कर देंगे वेट http.post राइट, और पोस्ट के अंदर हम यहाँ पर अपना URI.pass करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, गेट हमारे पास ये जो वेरिएबल था इसका नाम देख लेते हैं जहाँ से हम यूज़र का डेटा करते हैं, गेट API राइट, इससे हमें यूज़र का जो है प्रोफाइल मिल जाएगी। और यहाँ पर हम बॉडी के अंदर सिंपल हमें जो चीज़ पास करनी है वो है बॉडी, और यहाँ पर हमें सिंपल यूज़र नेम पास करना है यूज़र का राइट। यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र नेम, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे यूज़र नेम जो हमने वहाँ से लिया है, यूज़र नेम डॉलर यूज़र नेम राइट। अब हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि इसकी भी रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हुई है कि नहीं। सिंपल यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, अगर ये इज़ इक्वल टू है 200 के तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब कि हमें एरर आ रहा है। सिंपल हम यहाँ से ये एरर जो है कॉपी कर लेंगे एल्स की कंडीशन में राइट, और यहाँ पर जो है हम यहाँ से भी एक एरर रिटर्न कर देंगे राइट। हमारे पास ये डेटा आ गया, और अगर हमारे पास ये सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेटस या इसको कर देंगे या रिज़ल्ट राइट, आप कुछ भी कर दो, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट नहीं यूज़ करना हमें, जेसन डॉट डी कोड यूज़ करना है, और इसके अंदर हम अपनी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को पास कर देंगे। रिस्पॉन्स का नाम क्या था, मैंने स्पेलिंग गलत यूज़ किया, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी राइट। एंड अब यहाँ से हम अपना रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिज़ल्ट राइट। एंड अब हमारा जो है ये यूज़र की प्रोफाइल पिक करेगा, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट यूज़र प्रोफाइल का नाम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको इसके साथ अपने सेकंड बटन के साथ, ये जो गेट प्रोफाइल वाला बटन है इसके साथ लिंक करेंगे राइट। और यहाँ पर आपको जो है वो यूज़र नेम बताना होगा, यूज़र नेम भी हम यहाँ से यूज़र कंट्रोलर से ले लेते हैं, यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट राइट, राइट टेक्स्ट। यहाँ पर अब क्या होगा कि हमें ये कुछ डेटा रिटर्न करेगा, हम इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हम नॉर्मल जो है वो फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल का नाम होगा स्ट्रिंग प्रोफाइल डेटा, ठीक है, प्रोफाइल डेटा इज़ इक्वल टू अपनी ये प्रोफाइल, हम इसको चेंज कर देंगे एसिंक्रोनस के अंदर राइट, एसिंक्रोनस। और यहाँ पर हम अवेट करते हैं एंड देखते हैं कि इसने अब ये हमें डेटा रिटर्न करता है या नहीं करता इस यूज़र नेम का, और यहाँ पर जो डेटा रिटर्न होगा वो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और देखते हैं कि अब यूज़र का जो डेटा है वो हमें रिटर्न होता है या नहीं होता, या कोई एरर आता है, हमें यहीं पर पता चल जाएगा। मैं गेट यूज़र प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि आप यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, आप वेरिएबल का टाइप है, स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते, हमें स्ट्रिंग हटा के इसको जो है वो डायनामिक कर देंगे। एंड यहाँ पर वापस से ट्राई करते हैं, ठीक है, गेट यूज़र प्रोफाइल, और अब हमें एप्लीकेशन को रीलोड करने की ज़रूरत है। एक बार एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं, अब हम चेक कर सकते हैं कि डेटा गेट करती है कि नहीं। हम यूज़र नेम का यहाँ पे कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अपना यूज़र नेम जिसका हम डेटा गेट करना चाहते हैं, ऑटोमन कोडर करके हमने पहली बार यूज़र नेम रखा था, तो यहाँ पर जो है वो आपको दिखा भी देता हूँ, ये यूज़र नेम हम मुझे कहाँ से पता चला, यहाँ पर हमने ये नेम से डेटा स्टोर करवाया है, तो इसी नेम से हम डेटा गेट करेंगे राइट, ऑटोमन कोडर राइट। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब गेट यूज़र प्रोफाइल डेटा के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा गेट करता है या नहीं करता। एंड यहाँ पर अब चेक करते हैं, हमें डेटा मिल गया। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके अंदर हमारा नाम भी आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, वो सब कुछ आ रहा है। तो इसके अब हम यहाँ पर अपनी इमेज जो है जो हमें डेटाबेस से मिली है, हमें उसको शो करवाना है। शो करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, साइज बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ,
यहाँ पर जो है हमें, मैंने यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लोकल वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है, और वेरिएबल का क्या नाम रखूँगा, स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसका नाम रखूँगा स्ट्रिंग, और नाम रखूँगा ऑनलाइन इमेज, राइट, ऑनलाइन इमेज, एंड इसको बिला फिलहाल एम्प्टी रखेंगे, राइट। ये ऑनलाइन इमेज हमारी एम्प्टी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस हाइट के नीचे एक सेम फंक्शन यही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये लोकल इमेज वाला, राइट, इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और बस हम यहाँ से लोकल इमेज को हटा के ऑनलाइन इमेज ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑनलाइन इमेज, बाकी ये सारी वही चीज़ होगी और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इमेज डॉट मेमोरी मेमोरी, और यहाँ पर हमें जो है वो अपनी इमेज पास करनी है, ये लो ऑनलाइन इमेज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस, अब पहले हमने इसको इनकोड किया था, हम इसको अब डिकोड करेंगे, बेस 64 डिकोड, ठीक है, हमें ये डिकोड की यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, एंड यहाँ पर हम अपनी ऑनलाइन इमेज को जो है वो पास करेंगे, ऑनलाइन इमेज, राइट, एंड हमें यहाँ पर जो है वो ये कह रहा है कि आप इस यहाँ पर इस तरह जो है वो पास नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा लेंगे और अपना ये जो सर्कल अवतार है इसको हटा के इसकी जगह हम इसको पास कर देंगे, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जब हमें यूज़र का डेटा मिल जाए तो इससे हमें प्रोफाइल निकालनी है, मतलब इसका यूज़र का प्रोफाइल का इमेज जो है वो निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऑनलाइन जो हमारी इमेज है इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको कर देंगे प्रोफाइल डेटा, प्रोफाइल डेटा इसको इंडेक्स 0 है, उसके अंदर हमें यूज़र की प्रोफाइल ऐड करनी है, तो इसका नाम होगा इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर ना इंडेक्स नंबर यूज़ किया और इसके बाद एक पैरामीटर यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास जो यूज़र की प्रोफाइल आ रही है वो एक एरे में आ रही है, लिस्ट ऑफ एरे, तो हमारी यूज़र नेम जो हमारा जो प्रोफाइल है वो इंडेक्स 0 के अंदर है और वहीं पे हमारी प्रोफाइल पड़ी है, ठीक है, ये प्रोफाइल का टैग यूज़ किया। अब हमें यहाँ पर हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी और यहाँ पर मैं एक सेट स्टेट कॉल कर दूंगा, राइट, सेट स्टेट। अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि ये हमारी ऑनलाइन इमेज जो है वो गेट करता है या नहीं, अगर हमारी ऑनलाइन इमेज यहाँ पर आती है तो यहाँ पर शो होनी चाहिए। अब मैं गेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर हमारी ऑनलाइन इमेज जो है वो आ चुकी है। अगर यहाँ पर आप नेम वगैरह भी शो करना चाहते हैं, हम वो भी शो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, सेम जिस तरह हमने प्रोफाइल गेट किया इस तरह हम यहाँ पर नेम गेट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट विजेट यूज़ करता हूँ, मैं ज़रा सी यहाँ से वीडियो थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिए और यहाँ पर उनके एक वेरिएबल बना लिए। अब मैं इन वेरिएबल्स को यहाँ पर पास कर दूंगा, पहले के अंदर मैं यूज़र नेम शो करना चाहता हूँ, दूसरे के अंदर मैं अपना फुल नेम शो करना चाहता हूँ, ठीक है, एंड लास्ट में मैं अपना पासवर्ड जो है वो शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पास की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जहाँ पर मैं अपनी इमेज गेट कर रहा हूँ ना ये वाले, इसी के साथ साथ मैं अपने ये वाले यूज़र नेम और पासवर्ड भी गेट करूँगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र, राइट, यूज़र को कर दूंगा प्रोफाइल डेटा, सॉरी हमें यह वेरिएबल जो है सही यूज़ करना है, गलत यूज़ कर रहा हूँ, प्रोफाइल डेटा, एंड यहाँ से मैं इसको सारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको 2 से 3 दफ़ा मैं और कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम नेम यूज़ करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और इसके अंदर हम पासवर्ड स्टोर करेंगे अपना पास, राइट। यहाँ पर हमें अपने टैग चेंज करनी है, टैग हमारा यहाँ से होगा यूज़र नेम, यूज़र नेम, और आगे हमारा होगा फुल नेम, उसके बाद हमारा होगा पासवर्ड, हमें यहाँ पर पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेट स्टेट कॉल कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जब डेटा गेट होता है तो ये शो करता है या नहीं करता। लेट्स सी, गेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ओटमन कोडर मोहम्मद उस्मान, पासवर्ड भी उसका शो हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। इस तरह आप भी अपनी जो है वो एप्लीकेशन बना सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।